प्रेगनेंसी में फ्रूट्स खाने के तो बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपके बेबी को मिलेंगे विटामिन, मिनरल्स, फॉलिक, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी आपके मन में ऐसा थॉट ज़रूर आता होगा, इनफैक्ट जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, क्या मैं ये फ्रूट खा सकती हूँ, इसको खाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, और जैसे कि आम हो गया और पपीता खाने के लिए बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपने अपने आसपास के लोगों से भी सुनी होगी जो कि फैली हुई हैं कि आपको ये फ्रूट्स नहीं खाना है, इससे ये नुकसान हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ। हेलो वुड बी मॉमीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो आपको प्रेगनेंसी में खाने चाहिए और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो बताऊँगी कि फ्रूट्स खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और उन फ्रूट से आपको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और क्या क्या चीज़ें, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि लेग क्रैम्प्स होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कौन से फ्रूट खाने से आपको उन सब चीज़ों से रिलीफ मिलेगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल चीकूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूं कि फ्रूट्स खाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं प्रेगनेंसी में। सबसे पहले आपको और आपके बेबी को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी और फॉलिक एसिड, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी के 3 महीने से पहले से भी देते हैं डॉक्टर, उसके बाद प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने भी फॉलिक एसिड देते हैं, तो आपको फ्रूट से भी मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी में कभी कभी लेग क्रैम्प्स भी होता है, मुझे भी होता था, और तो फ्रूट्स खाने से, मैं आपको बताऊंगी भी कि कौन से फ्रूट खाने से उससे आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, जैसे कि आप वो फ्रूट्स खाएं जिसमें ज़्यादा पानी होता है, जैसे वाटरमेलन हो गया, ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये फ्रूट्स आप खा सकते हैं। अब मैं आपको एक एक फ्रूट बताऊंगी और उन फ्रूट्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं बताऊंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले फ्रूट की, जो कि है बनाना। बनाना आपको हर सीज़न में मिल जाएगा और इजीली मिल जाता है मार्केट में। बनाना में आपको कैल्शियम, पोटेशियम मिलता है, जिससे कि आपको, जैसे प्रेगनेंसी में बहुत लोगों को शिकायत होती है लेग क्रैम्प्स की, स्पेशली रात में होता है, मुझे बहुत ज़्यादा होते थे, काफ में काफ़ी क्रैम्प्स होते थे, तो बनाना खाने से आपको उससे रिलीफ मिलेगा। तो प्रेगनेंसी में आप बनाना ले सकते हैं। आप अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, आपको डॉक्टर भी बोलेंगे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको बनाना नहीं खाना है, आप दूसरे फ्रूट खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है प्रेगनेंसी में तो आप बनाना ले सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब सेकेंड फ्रूट है एप्पल। एप्पल भी आपको हर सीज़न में ईजिली मिल जाएगा, विंटर्स में ज़्यादा अच्छे एप्पल मिलेंगे, और ऐसा नहीं कि गर्मियों में नहीं मिलेंगे, गर्मियों में भी एप्पल मिलेंगे। एप्पल रिच होता है विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भी होता है। अगर आपने अच्छा एप्पल उसको लिया है, अगर आप उसको कट करेंगे तो उसमें से देखेंगे पानी निकलता है, तो उसमें पानी भी होता है, और प्रेगनेंसी में तो आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, तो एप्पल भी बहुत अच्छा फ्रूट है, आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में थकान बहुत ज़्यादा लगती है तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो सेकेंड फ्रूट तो एप्पल हो गया। अब थर्ड फ्रूट है मैंगो, जिसके लिए बहुत ज़्यादा डाउट होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि मैंगो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब कच्चा मैंगो होता है तो वो खट्टा होता है, और उसके बाद जब वो पक जाता है तो वो कुछ ज़्यादा ही मीठा हो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत लोगों का डाउट होता है कि मैंगो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो मैंगो आप खा सकते हैं, मैंगो विटामिन ए, विटामिन सी से रिच होता है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादातर लोगों को हो जाती है क्योंकि आयरन की टैबलेट्स लेनी होती है, तो कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ मिलता है। और जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं प्रेगनेंसी में मैंगो खाती थी, क्योंकि
सीजन अभी जैसे समर्स में मैंगो आते हैं तो कोई अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रूट जो कि है ऑरेंज। ऑरेंज को लेके भी बहुत डाउट रहते हैं, इनफैक्ट मैं जब प्रेग्नेंट थी मुझे भी बहुत ज़्यादा डाउट थे, लेकिन जब मैंने डॉक्टर से पूछा और उन्होंने उसके फ़ायदे बताए तो मुझे समझ में आया कि ऑरेंज फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि ऑरेंज विटामिन सी से रिच होता है और विटामिन सी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करती है। अब जैसे प्रेगनेंसी में बहुत लोगों को शिकायत होती है कि खून की कमी हो गई, मुझे भी थी, मुझे माइल्ड अनीमिया था, तो और उसमें फिर हम लोग बोलते हैं कि सारी चीज़ें तो खा रहे हैं, हरी सब्जियां तो खा रहे हैं, आयरन की टैबलेट तो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी खून नहीं बढ़ रहा है। तो क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसमें से ज़रूरी नहीं है कि जो आयरन हो वो पूरी तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब हो, उसका कुछ ही परसेंट एब्जॉर्ब होता है, बाकी वो बाहर निकल जाता है बॉडी के। तो अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो वो आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब कराने में बहुत हेल्प करता है, ऐसा मेरी डॉक्टर ने बताया है। और उसके बाद जब मैं इसके बारे में पढ़ भी रही थी तो भी मुझे ये चीज़ पता चली कि विटामिन सी तो लेना ही लेना है, इनफैक्ट डिलीवरी के बाद भी आपको विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। ऑरेंज में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपको मॉर्निंग सिकनेस से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस भी शुरुआत के पहले 3 महीने काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ऑरेंज का जो थोड़ा सा टैंगी टेस्ट होता है उससे आपको अच्छा लगेगा, तो आप ऑरेंज खा सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप ज़्यादा मत खाएं, वैसे भी इतने सारे फ्रूट्स के ऑप्शन होते हैं तो आप एक एक भी खा रहे हैं तो बहुत है। तो मैं भी अपनी प्रेगनेंसी में एक ऑरेंज खा लेती थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रूट की, जैसे कि अभी समर्स में आपको वाटरमेलन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, मस्क मेलन मिल जाएगा, तो वाटरमेलन में 92% वाटर ही होता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, प्लस आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो भी मेंटेन रहना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, तो आपको वाटरमेलन खाना चाहिए, वाटरमेलन आप ले सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं तो फॉर अ चेंज आप ये फ्रूट्स खा सकते हैं, और इसके फ़ायदे भी हैं। इसमें जिंक होता है, फॉलेट होता है, पोटेशियम होता है, और जो फॉलेट होता है वो तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के पहले से आपको दिया जाता है, प्लस स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में दिया जाता है, तो वाटरमेलन भी बहुत अच्छा है। जैसे आम को खाने के लिए लोगों में डाउट होता है कि प्रेगनेंसी में खा सकते हैं कि नहीं, वैसे ही ग्रेप्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि ग्रेप्स खा सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको बता दूँ ग्रेप्स पोटेशियम और मैग्नीशियम से रिच होता है, जो कि अगर आपको पैरों में क्रैम्प्स हो रहे हैं, क्योंकि लेग क्रैम्प्स की जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को होता है, मेरी फ्रेंड्स भी जब प्रेग्नेंट थी वो लोग भी यही शिकायत करती थी कि पैरों में तो बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, तो आपको उससे रिलीफ मिलेगा। तो आप अंगूर खा सकते हैं, और अंगूर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी ही होता है, तो मैंने आपको जैसे बताया पहले कि पानी बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे फ्रूट्स आपको खाने ही खाने हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि किसी भी हालत में आपका अमिनियोटिक फ्लूड कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम होगा तो फिर आपको डॉक्टर्स बोलेंगे नारियल पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, तो बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ें खाएं, ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपको अच्छा भी लगे। और अंगूर खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, क्योंकि आयरन की टैबलेट लेते हैं उससे बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे कि अगर आपको 40 के टाइम प्रेशर लगाना पड़ता है तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बेहतर है कि आपको आप अवॉइड करें कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो ही ना। अब नेक्स्ट फ्रूट है अनार। आपने भी बहुत ज़्यादा सुना होगा कि अगर खून की कमी लग रही है तो अनार का जूस पियो, तो अनार तो फ़ायदेमंद है ही है, और बोन्स हेल्दी करेंगी आपकी और बेबी की, और खून बनाने की मशीन तो उसको बोलते ही बोलते हैं, तो आप अनार तो ले ही सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होता, लोग लेते भी हैं अनार। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप किसी चीज़ का जूस पी रहे हैं, जैसे कि ऑरेंज जूस हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा ये पोमेग्रेनेट का जूस हो गया, लोग क्या करते हैं बाहर जाते हैं बाहर से पीते हैं,
पर आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको घर पे ही जूस पीना है, क्योंकि बाहर हाइजीनिक है नहीं है, वो कब का है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में तो मॉर्निंग सिकनेस तो होती ही होती है। मैं अपना भी आपको बताती हूँ कि जैसे मैं बाहर का कुछ खाती थी, मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, जिससे खाने का मन तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसको खा के वॉमिटिंग तो होती ही होती थी, प्लस जो खुद की हेल्थ होती थी वो भी डिग्रेड हो जाती थी। इसीलिए आपको बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है, बाहर से जूस भी नहीं पीना है, क्योंकि बाहर का जूस हेल्दी भी नहीं होता है, ना ही आपको पैक लेना है, जो रियल जूसेस आते हैं वो भी नहीं लेना है, आपको नेचुरल ही लेना है। आप कोशिश करें घर पे जूस निकालें और उसे पिए, वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट फ्रूट है कीवी। कीवी खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है, तो कीवी आप खा सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स जो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको मिल रहे हैं तो आप वो भी खा सकते हैं, जैसे कि एवोकाडो हो गया, जो कि रिच इन फॉलिक होता है, फॉलेट होता है, और मैंने आपको बताया फॉलिक एसिड तो देते ही देते हैं, तो वो आप खा सकते हैं। क्रैम्प्स में मदद करता है, नौसिया अगर आपको होता है तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा कि ना हो। उसके बाद फिर एप्रिकॉट हो गया, एप्रिकॉट रिच इन आयरन होता है, और जैसे कि प्रेगनेंसी में आपको पता ही है कि बेबी अपनी डेवलपमेंट के लिए मदर का आयरन ले लेता है और मदर में डेफिशिएंसी होने लगती है, तो आप एप्रिकॉट ले सकते हैं। खैर ये इजीली अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर अवेलेबल है तो आप ले लें, नहीं तो ड्राइड एप्रिकॉट भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा प्लम होता है, प्लम भी उतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, अगर अवेलेबल है तो आप ले, नहीं तो फ्रूट्स के इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनमें से खाएं। और हाँ, एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग पपीता खाने से बहुत डरते हैं, और पपीता के नाम पे तो एक बहुत बड़ा डर है कि पपीता तो बिल्कुल ही नहीं खाना है, पर ऐसा नहीं है। आप पका पपीता एक दो स्लाइस खा सकते हैं, कच्चा ना खाएं और पका आप खा सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया 10 बेस्ट फ्रूट जो कि आप प्रेगनेंसी में खा सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी फ्रूट को लेके डाउट है, तो आप पहली चीज़ तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लें, और जहाँ तक, क्योंकि मैंने भी सुना है कोई डॉक्टर मना नहीं करता है, ये सिर्फ लोग आपस में फैला देते हैं कि ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सामने से ही मना करते हैं कि पर्टिकुलर ये चीज़ आपको नहीं खाना है। तो फिर भी अगर आपको किसी फ्रूट पर डाउट हो तो आप डॉक्टर से पूछ लें, और अगर डॉक्टर अलाउ कर रहे हैं, फिर भी अगर आपके फैमिली मेम्बर मना कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं खाना है, तो और आपका मन कर रहा है, तो आप उसको लिमिटेड क्वांटिटी में खा लें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का रहता है मेरा पपीता खाने का मन कर रहा है, तो आप एक दो स्लाइस खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं खा सकते हैं। आप मैंगो खा सकते हैं, सीजनल फ्रूट है, और आप ग्रेप्स खा सकते हैं, आप सारी चीज़ें खा सकते हैं। बस ये है, जिस चीज़ पर डाउट हो उसको आप थोड़ा उसकी क्वांटिटी कम कर दें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी।